सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, अभी मैं निकल रहा हूँ गैरेज के लिए, बाइक का कस्टमाइजेशन के लिए। तो चलिए चलते हैं गैरेज में और शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। सो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने कहा था, हम जा रहे हैं गैरेज, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हम आ गए हैं गैरेज में और अभी आपको दिखाता हूँ मेरा बाइक। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये रहा हमारा बाइक। सो अभी जो है इसका इंडिकेटर चेंज होगा। सो इसीलिए हेडलाइट्स ओपन कर दिए ताकि आराम से इंडिकेटर जो है हम सेटअप कर सके अलग से। तो अभी जो है ये लोग इग्निशन का की लग जो है उसको ओपन कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, अभी जो है हम वो बार लाइट सेटिंग करने के लिए देख रहे हैं कि होता है या नहीं, मगर अभी जो है लेट हो गया, इसीलिए ये जो बार लाइट का काम है हम दो दिन बाद आके करेंगे, क्योंकि हैंडल में ड्रिलिंग वगैरह करना पड़ेगा तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो अभी हम पुराने वाले बाजार को निकाल के नया वाला फिक्स कर रहे हैं। सो अभी जो है हम राइट साइड वाला एक्सेलेरेटर कवर को चेंज कर रहे हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं अभी ये एकदम रेडी हो गया है। सो फ्रेंड्स, अभी जो है हम इग्निशन वाला नया लॉक इसमें फिट करने जा रहे हैं। सो आप यहाँ देख सकते हैं दोनों तरफ लॉक सेटिंग किया जा रहा है। यहाँ पीछे की तरफ डिक्की वाला लॉक जो है उसे सेट किया जा रहा है और आगे की तरफ जो इग्निशन वाला लॉक है उसे फिट किया जा रहा है। सो यहाँ पे इग्निशन वाला लॉक जो है वो फिट हो गया, अभी इसको टाइट कर रहे हैं। तो अभी जो है बैक का टेल सेक्शन पूरा का पूरा ओपन किया जा रहा है ताकि आराम से जो है बैक इंडिकेटर फिक्स हो सके।
और यहाँ पे जो है फ्रंट वाला इंडिकेटर फिक्स कर रहे हैं। तो अभी जो है फ्रंट का इंडिकेटर फिक्स हो गया और उसका टेस्टिंग हो रहा है। तो अभी जो है इंडिकेटर का काम खत्म हो गया है, अभी फ्यूल टैंक वाला पैनल जो है वो नया वाला फिक्स कर रहे हैं। तो अभी हमारा काम खत्म हो गया, तो यहाँ से अब हम निकलेंगे। सो फ्रेंड्स, अभी जो है मैं गैरेज से आ गया हूँ और हमारा काम जो है वो खत्म हो गया सब कुछ लगभग, बस थोड़ा सा काम बाकी है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि बाइक में क्या क्या मैंने चेंजेस किया। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने जो है ये इंडिकेटर्स चेंज करवा दिए, ये LED वाला है। तो अभी आपको ऑन करके भी दिखाऊंगा। तो ये जो लॉक सेट है डिक्की वाला, और ये फ्यूल टैंक का, और ये वाला इग्निशन वाला, तीनों ही मैंने चेंज करवाया। और इसके साथ साथ ये हैंडल का जो ग्रिप आता है ये भी मैंने नया वाला लगवाया है। और फ्रंट साइड में भी आप देख सकते हैं जो नया इंडिकेटर है वो कैसा दिख रहा है। तो अभी आपको ऑन करके मैं दिखाता हूँ कि ये कैसा दिखता है। तो ये आप देख सकते हैं। ये कैसा दिख रहा है। तो फ्रेंड्स, मैंने गाड़ी में इंडिकेटर चारों के चार चेंज किए। इसके साथ साथ जो बजर आता है, आप आवाज़ सुना होगा आपने कि कैसा सुनाई देता है, जो ये जो है थोड़ा लाउड में आपको सुनाई देगा। और इसके साथ साथ जो की सेट है उसको भी मैंने चेंज किया। और इसका जो हैंडल बार लाइट है उसको भी मैं चेंज करवाने वाला था, मगर ये जो काम होने में बहुत ज़्यादा देर होगी तो इसको हम 2 दिन बाद करेंगे। और उसके साथ साथ जो है हेडलाइट भी मैं चेंज करवाने के बारे में सोच रहा हूँ। तो अगले वीडियो में आपको मैं दिखाऊंगा कि और क्या क्या मैं चेंज करवाने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड स्टे सेफ। ସେଇଟା ସୋମବାର ଦିନ ଲଗେଇବେ କହିଲେ ଆଉ ସେଇଟା ରଖିଦେଇଥା ତା କଥା ପରେ ବୁଝିବା ନହେଲେ।